रात्रि वेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ या फिर कंपनीज अकाउंटिंग, तीनों एक ही होती हैं। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर से, इस बुक से रिलेटेड 5 वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बाद में जा करके देख सकते हैं, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम सटीक हो जाए और एक एक तथ्य आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। साथ ही साथ मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे वीडियोस बीकॉम थर्ड ईयर और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो अभी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं TGT और PGT के, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, अगर TGT PGT जैसे एग्जाम्स, GIC जैसे एग्जाम्स की बात करी जाए, तो वहां पर भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके कंपनी लॉ से पूछे जाते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एकदम एक एक चीज बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए, आज की श्रृंखला में हम लोग आज देखने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। अंशों का निर्गमन। देखो, अंशों का निर्गमन क्यों किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, इसके लिए मैंने एक अलग से ही वीडियो आपको दे रखा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, रोकड़ के लिए जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और कैसे कैसे निर्गमन किया जा सकता है, डिटेल में बताने वाला हूं। एकदम बहुत मजा आने वाला है, और अगर ये तो मैं कह रहा हूं मजा आने वाला है, अगर आपको मजा आ जाए, वीडियो अच्छा लगे, विषय वस्तु आसानी के साथ में समझ में आए, तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करिएगा। साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे आपके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की बात करेंगे, तमाम तरीके होते हैं जब हम शेयर्स को इशू करते हैं। फिलहाल आज बात करने वाले हैं कैश के लिए, जब इशू करेंगे तब। तो हम लोग कुछ जान लें, क्या जान लें। देखो, एक होती है फेस वैल्यू, शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, या प्रिंट वैल्यू होती है, या बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू ऐसे दो अर्थों में ली जाती है, तब बुक वैल्यू थोड़ी अलग हो जाएगी। ये तीनों एक ही चीजें होती हैं। जैसे कंपनी का शेयर है, जैसे कंपनी में कहा 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये 10 क्या है, ये इसकी फेस वैल्यू है, मतलब मुख मूल्य है, या प्रिंट वैल्यू है, ये इसका छपा हुआ मूल्य है, या फिर बुक वैल्यू है, कंपनी का जो कैपिटल क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वहां पर लिखा गया कि कंपनी की कितनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है और वो कितने रुपए वाले शेयर्स में विभक्त है, बटी हुई है, तो वो बुक में लिखी गई, इसलिए वो बुक वैल्यू है। वैसे जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जाएंगे, बुक वैल्यू की बात करेंगे, तो वो अलग कंडीशन होती है, वो मैं वहां पर आपको बताऊंगा। ओके, फिर आती है एक बात जिसमें आता है मार्केट वैल्यू, क्या चल रही है शेयर की, और एक आता है इश्यूड वैल्यू, निर्गमित मूल्य क्या है। देखो, मार्केट वैल्यू क्या है, इससे मुझे अभी फर्क नहीं पड़ता। मार्केट वैल्यू का मतलब है प्रेजेंट टाइम में मार्केट में शेयर का वैल्यू कितना चल रहा है। जैसे 10 रुपए वाला शेयर मार्केट में 1,000 रुपए का हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, ठीक है ना, 10,000 का हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मार्केट वैल्यू वही जो बाजार में शेयर का मूल्य है, उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। फिलहाल मुझे अभी उससे कोई मतलब है नहीं। हम लोग को मतलब होता है फेस वैल्यू और इश्यूड वैल्यू, इन दोनों के बीच के गैप से। इन दोनों के बीच का अगर गैप है तो उसमें अलग अलग सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं। जैसे मान लो हमने फेस वैल्यू माना है कितना, 10 रुपया, ठीक है ना, क्या माना, फेस वैल्यू माना 10 रुपया। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन हमारी हो सकती है कि फेस वैल्यू 10 माइनस इश्यूड वैल्यू 10 रुपए पर शेयर। ओके, 10 रुपए वाला शेयर है, 10 ही रुपए पर इश्यू किया गया, तो इसको कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार, अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, अर्थात जितने रुपए वाला शेयर है उतने रुपए पर ही इसको इश्यू किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, पीजीटी में क्वेश्चन ये पूछा गया था,
अभी लास्ट में जो पीईटी होगा है, शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, और उसका जो इश्यूड वैल्यू है वो 8 रुपया पर शेयर है। ओके, तो इस निर्गमन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इसको कहते हैं छूट पर निर्गमन। लेकिन ध्यान रखना, सेक्शन 53 इस बात पर प्रतिबंध लगाता है कि आप अपने अंशों का निर्गमन छूट पर नहीं कर सकते हैं। ओके, कोई भी कंपनी अपने अंशों को छूट पर निर्गमन नहीं कर सकती, लेकिन ऋण पत्रों को कर सकती है, याद रखना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नंबर 3 आता है, फेस वैल्यू तो 10 रुपये पर शेयर ही है, लेकिन जो इश्यूड वैल्यू है वो 12 रुपये या इससे अधिक पर शेयर है। फेस वैल्यू कितनी, 10 रुपये है, और उसको इश्यू कितने पर किया जा रहा है, 12 रुपये पर किया जा रहा है। तो देखो इसको क्या कहते हैं, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या है, इसको सेक्शन 52 डिफाइन करता है। सेक्शन कौन डिफाइन करता है, ध्यान देना, आज की वीडियो में पूरा प्रीमियम की ही बात करने वाला हूं। सेक्शन 52 डिफाइन करता है कि प्रीमियम पर शेयर्स को कैसे इशू किया जाएगा। तो सबसे पहले बात क्या होती है, अगर फेस वैल्यू, ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्काउंट पर शेयर्स का इशू था, लेकिन उसको ऐसे घुमाया गया था, बहुत सारे लोगों ने उसको प्रीमियम ऑप्शन टिक किया था, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये भी बहुत जरूरी होता है समझना, अगर फेस वैल्यू और इश्यू वैल्यू बराबर है तो इसको कहते हैं इश्यू एट पार, मतलब सम मूल्य पर निर्गमन। अगर फेस वैल्यू अधिक है और इश्यू वैल्यू कम है तो इसको कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर शेयर नहीं इशू किए जा सकते, 53 इस पर रोक लगाता है, पिछले वीडियो बता चुका हूं। स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं, रूलिंग उसकी 54 में दी गई है। कंपनी के डायरेक्टर्स को, हाई लेवल इंप्लॉयज को, प्रमोटर्स को, टेक्निकल नॉलेज देने वाले लोगों को ये इशू किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इशू हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर फेस वैल्यू से कम पर इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंट होता है, लेकिन अगर फेस वैल्यू से ज्यादा मूल्य पर इशू किए जाएं तो मूल्य को कहा जाता है प्रीमियम। क्या कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है। बात क्लियर हो गई है जी, बात क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो ये 3 दशाओं में अंशों का निर्गमन हो सकता है। हम लोग जब पढ़ने चलेंगे आगे तो ये नहीं पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमको नहीं मिलेंगे, हमको पहली और तीसरी कंडीशन बहुत पढ़नी होगी, जिसमें प्रीमियम वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं, जब बनेंगे तो ये हमको ज्यादा पढ़ना होगा। लेकिन प्रीमियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आइए उन डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम के संदर्भ में क्या क्या रूलिंग है, क्या नियम है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम अंडर सेक्शन 52, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इसका सेक्शन है 52। नंबर 1 बात की, जो प्रीमियम का पैसा मिलेगा उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। नंबर 2 पर बात आती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो होता है इसका नेचर क्या होता है। तो अगर इसके नेचर की बात करेंगे आप, तो इसका नेचर होता है नॉमिनल नेचर, नॉमिनल नेचर ये अकाउंट होता है। ओके, अगर बात करें कि ये कैसा बैलेंस प्रेजेंट करता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खाते का जो बैलेंस है, जो बैलेंस है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस शो करता है, तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ठीक है ना। अकाउंट का नेचर कैसा होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन जो एमसीक्यू वाली सीरीज हमारी चल रही है, उसमें मैंने बताया था कि शेयर का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट नेचर होता है, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये नॉमिनल नेचर का होता है। ये अकाउंट कैसा बैलेंस प्रेजेंट करता है, तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्रेजेंट करता है। किस खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खाते में इसको ट्रांसफर किया जाता है। इसको कहां पर शो ऑफ किया जाता है, मतलब इसको दिखाया कहां जाता है, तो बैलेंस शीट के इक्विटी एंड
लायबिलिटी पक्ष में जो हमारी पहली हेडिंग नंबर एक की पड़ती है, जिसको कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर्स फंड में जो सेकंड नंबर का हमारा उपवाक्य होता है, जिसको कहते हैं रिजर्व, एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को दिखाते हैं, इसका बैलेंस जितना होगा उसको यहां पर दिखाएंगे। बात क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है कि इसका यूज किस लिए कर सकेंगे। इसका यूज, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमको मिलेगा, इसका यूज हम किस उद्देश्य से कर सकेंगे। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज है वो आप क्या कर सकेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। जो प्रिलिमिनरी प्रारंभिक व्यय होते हैं उनको अपलिखित करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। जो शेयर्स और डिबेंचर्स के इश्यू करने पर डिस्काउंट दिया गया है, उसको राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स के रिडेम्पशन पर जो प्रीमियम देनी है, जो प्रीमियम पेड करनी है, उसके लिए इसका यूज किया जा सकता है। भाई, हो सकता है आप जो आपके प्रेफरेंस शेयर हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स, उनका रिडेम्पशन आपको प्रीमियम पर करना हो, तो अगर प्रीमियम पर उनका रिडेम्पशन करना है तो उस प्रीमियम को देने के लिए आप इस प्रेफरेंस शेयर, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, उसका यूज आप कर सकते हैं। ओके, नंबर आठ अगर बात करें तो बाई बैक ऑफ शेयर, बाई बैक ऑफ शेयर के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। नंबर नौ पर बात करें तो बोनस शेयर इशू करने के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं। बोनस शेयर इशू करने के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होती है, ये एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। ओके, तो देखो मैंने 10 बातें आपको बता दी हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के संदर्भ में। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे होंगे, कम से कम दो बातें इससे रिलेटेड आपसे पूछ ली जाएंगी। अगर आप कंपनी लॉ या कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब एकेडमिक में अगर इसकी बात आप कर रहे हैं, तो आपसे कम से कम तीन क्वेश्चन यहां से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के संदर्भ में। तो देखिए, मैंने मैक्सिमम चीजें आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बता दी हैं। जब कंपनी के शेयर उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू किए जाते हैं, तो उस कंडीशन को सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। और उस सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाता है, कहाँ यूज किया जा सकता है, उसके अकाउंट का नेचर क्या होता है, उसका बैलेंस कैसा शो करता है, किस किस उद्देश्य के लिए उसको प्रयोग किया जा सकता है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो उम्मीद है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अब बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम की डिमांड कहाँ की जाएगी। तो देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम की डिमांड अगर बात करी जाए तो ये एप्लीकेशन से लेकर के एप्लीकेशन टू कॉल कहीं पर भी की जा सकती है। लेकिन अगर कोई क्लियर इंफॉर्मेशन ना दी गई हो कि कहां पर इसकी डिमांड करी जाएगी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की डिमांड हमेशा अलॉटमेंट के साथ में ड्यू करते समय की जाती है, और रिसिप्ट करते समय इसको साथ में रिसीव कर लिया जाता है, जब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री की जाती है। ओके, जहां कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू करते समय दिखाया जाएगा। जैसे सपोज दैट मुझे अलॉटमेंट के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम लेनी है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मुझे अलॉटमेंट के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम लेनी है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और जब इसको रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर मिल रही है तो ठीक है, कुछ एरियर है तो उसको लेस करके उसको रिसीव कर लिया जाता है। ध्यान रहे,
सिक्योरिटी प्रीमियम को दो या दो से अधिक कॉल के साथ में अलग अलग करके भी मांगा जा सकता है। जैसे ₹5 की सिक्योरिटी प्रीमियम मांगी जानी है तो ₹2.5 एप्लीकेशन के साथ में और ₹2.5 अलॉटमेंट के साथ में ऐसे भी मांगा जा सकता है। मतलब दो या दो से अधिक मांगों में भी इसको विस्तारित किया जा सकता है। तो उम्मीद है सिक्योरिटी प्रीमियम को आप भली भांति बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। जैसा भी समझे अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाया करें। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे प्रेरित करती हैं कि मैं और अधिक मेहनत के साथ आपके लिए तत्पर रहूं और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूं। जैसा भी समझे हैं अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं। तो जब कैश के लिए इशू किए जाते हैं तो वहां जर्नल एंट्री क्या की जाती है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां देखते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।